going to teach you maths. Let's start. Today we'll start exercise 3D on page number 80. Exercise 3D multiplication or division के बारे में है. आइए इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व द फॉलोइंग सम्स. पार्ट ए में हमें देखें एक सम गिवन है 35 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 7. स्टार्ट करते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन. किस तरह से करेंगे हमें पता है 35 एक सिंपल नंबर यानी एक नेचुरल नंबर लिखा हुआ है. एक सिंपल नेचुरल नंबर अगर लिखा हुआ है तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे. आपको पता है हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 तो होता है. यहाँ पे हम इसको 1 को इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो. यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपको ये बात समझ में नहीं आएगी 35 न्यूमरेटर के साथ है या फिर 35 डिनोमिनेटर के साथ है. इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इसका डिनोमिनेटर वाला नंबर हाईलाइट कर दिया है. ये हाईलाइट करने से वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा. अभी भी ये 35 ही है. इसके बाद मैंने यही वाला मल्टीप्लाई का साइन लिख दिया और सेकंड वाली फ्रैक्शन 5/7 इसके बाद ही कॉपी कर दी. अब इसको मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा. सबसे पहले हमारे पास इस तरह मल्टीप्लाई के सम आते हैं तो हम उसे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें कोई कैंसिलेशन तो नहीं हो रही. कैंसिलेशन के लिए एक रूल अपने दिमाग में बिठा लें कि एक डिनोमिनेटर और एक न्यूमरेटर होना चाहिए. कभी भी न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल नहीं होते. नंबर्स आमने सामने हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं. कैंसिलेशन किस तरह से होती है कि ये नंबर इससे कैंसिल हो सकता है, ये नंबर इससे कैंसिल हो सकता है, ऊपर नीचे नंबर कैंसिल हो सकते हैं, मगर ये बात याद रखिएगा बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना जरूरी है. यहां पर देखें 5 और 1 तो आपस में कैंसिल नहीं होंगे मगर 7 और 35 एक ही टेबल में आते हैं 7 की टेबल में. तो इन दोनों नंबर्स को हम रिड्यूस कर देते हैं. किस तरह 7 1 टाइम होता है 7 और 7 5 टाइम होता है 35. इस तरह से मेरे पास जो वैल्यूज बची वो न्यूमरेटर में है 5/1 और सेकंड वाली फ्रैक्शन में है 5/1. यहाँ पे 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 1. अब नीचे वाले डिनोमिनेटर का 1 तो हमें पता है हम लोग शो नहीं करते, जरूरत के टाइम पे हम इसे हाईलाइट करते हैं. तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर लिखूंगी मैं लिखूंगी 25. स्टार्ट करते हैं पार्ट बी. पार्ट बी में मेरे पास सम गिवन है 84 मल्टीप्लाई बाय 1/9. इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले 84 के नीचे डिनोमिनेटर में जो 1 है हम उसको हाईलाइट कर देते हैं. 84 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 1/9. अब हम लोग फिर से कैंसिलेशन शुरू करेंगे यहाँ पे 9 और 84 की. यहाँ पे देखें 3 में 9 का 9 आता है 3 के टेबल में, मगर क्या 84 3 के टेबल में आता है? इसके लिए हम 84 को आपस में 8 और 4 को ऐड कर देंगे जो डिविजिबिलिटी का रूल है. 8 में 4 को ऐड किया तो मेरे पास सम आया 12. 12 3 से डिविजिबल है, हमें पता है 12 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब है 84 भी 3 के टेबल में आता है. मतलब इन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर है 3, तो हम 3 से इन दोनों नंबर्स को कैंसिल कर देंगे. किस तरह 3 3 इज 9 और 3 2 हो जाएगा 6, मगर मुझे तो चाहिए 8. जो 2 का डिफरेंस बचा है वो मैंने 4 के साथ लगा के इसे बना दिया 24. और मैं मुझे पता है 3 8 होता है 24. इस तरह मेरे पास न्यूमरेटर में आ गया 28 और डिनोमिनेटर में यहाँ पर आ गया 3. अब मुझे पता है 3 के टेबल में 28 तो नहीं आता, 3 9 जा 27 होता है, इसका मतलब है फर्दर तो कैंसिलेशन नहीं होगी. तो मैं 28 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 28 और डिनोमिनेटर में 3 1 जा आ गया 3. अब आप देखिए स्टूडेंट्स ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है तो हम उसे मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे. किस तरह से
थ्री का टेबल इतना पढ़ेंगे कि या तो 28 आ जाए या उससे कम वैल्यू, तो हमें पता है 3 9 27 आता है। तो मैं क्या करूँगी, 3 को मल्टीप्लाई करूँगी 9 से, तो मेरे पास आ गया 27, और जो 1 का डिफरेंस आ रहा है वो मैंने लगा दिया न्यूमरेटर में। इस तरह मेरे पास आंसर आ गया 9 whole 1/3। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चंस आसान लगे होंगे और इजीली समझ में आ गए होंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड रिड्यूस टू द लोवेस्ट टर्म। रिड्यूस टू द लोवेस्ट टर्म मतलब हमें कैंसिलेशन करनी है। पार्ट ए देखिए, सम गिवन है 1/6 मल्टीप्लाई बाय 9/12। आइए इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सम इस क्वेश्चन को दोबारा से कॉपी कर देंगे। आइए कैंसिलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं देखिए 6 और 9 इनको मैं 3 से रिड्यूस कर देती हूँ। मुझे पता है 3 2 होता है 6 और 3 3 होता है 9। अब देखिए 3 और 12 भी तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं। किस तरह से 3 1 3 और 3 4 times 12। अब मेरे पास देखिए न्यूमरेटर में क्या क्या बचा, 1 multiplied by 1 आ गया 1, और डिनोमिनेटर में क्या है 2 and 4। 2 और 4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 8। इस तरह से मेरे पास आंसर आ गया 1/8। पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी में जो सम गिवन है वो है 2/5 मल्टीप्लाई बाय 4/7। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसी सम को नीचे कॉपी कर लेते हैं एक दफा। स्टूडेंट्स इन दोनों फ्रैक्शंस को आप ऑब्जर्व करें तो क्रॉस में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। 2 और 7 दोनों अपने अपने टेबल में आते हैं। इसी तरह 4 और 5 ये दोनों भी आपस में कैंसिल नहीं हो रहे। तो इस सूरत में हम लोग न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। किस तरह, 2 4 8 होता है और 5 7 होता है 35। ये देखिए हमारे पास आ रही है एक प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी न्यूमिरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। इस सूरत में हम इसे मिक्स नंबर में कन्वर्ट नहीं करेंगे और यही हमारे पास फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चंस आसान लगे होंगे और इजीली समझ में आ गए होंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन सम्स। पार्ट ए में देखिए हमारे पास जो सम गिवन है वो अब मिक्स नंबर में है, 4 whole 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3 whole 3/4। सबसे पहले हम मिक्स नंबर्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, कन्वर्जन होगी मिक्स नंबर टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आइए स्टार्ट करते हैं। 5 4 हमें पता है 20 होता है। 20 में 1 को ऐड कर देंगे न्यूमिरेटर वाले 1 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21। तो इस तरह न्यूमिरेटर हमारे पास आ जाएगा 21 और डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा 5। मल्टीप्लाई का साइन प्लेस करते हैं बीच में। अब देखिए 4 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 होता है 12। 12 में 3 को ऐड कर दिया तो मेरे पास आ गया 15 और डिनोमिनेटर में मेरे पास यही वाला 4 आ गया दोबारा। अब देखिए हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या कोई कैंसिलेशन हो रही है। तो देखिए मुझे नजर आ रहा है कि 5 और 15 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 5 के टेबल, तो हम इन दोनों को कैंसिल करके रिड्यूस कर देंगे। किस तरह, 5 1 5 होता है और 5 3 होता है 15। इसके अलावा 4 और 21 एक टेबल में नहीं आते हैं, ये दोनों रिड्यूस नहीं होंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास न्यूमिरेटर में बचा 21 और 3। 21/1 मल्टीप्लाई बाय 3/4 ये हमारे पास बचे, इन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। किस तरह, 21 को 3 से रफ कॉलम में मैं इसको वर्टिकली लिख लेती हूँ और फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ। 3 1 3 3 2 6
यानी न्यूमरेटर में मेरे पास आ गया 63 और डिनोमिनेटर में 1 4 4। स्टूडेंट्स मेरे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई 63/4। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आने की सूरत में मैं इसे मिक्स नंबर में कन्वर्ट करूंगी। किस तरह? कि मैं 4 का टेबल पढ़ूंगी कि या तो 63 आ जाए या उससे कम वैल्यू। तो हमें पता है 4 10s of 40 होते हैं, तो यकीनन वैल्यू 11 की लाइन में आएगी, 10 के बाद वाली लाइन में आएगी। तो मैं रफ कॉलम यूज करते हुए पहले फाइंड आउट करती हूँ कि सबसे नियरेस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है। अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई कर दूँ 4 को, तो 4 4s होते हैं 16 और 4 1s 4 + 1 5। अभी भी काफ़ी छोटी है वैल्यू, तो मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई करती हूँ। 4 5s 20, 4 1s 4 5 6। यानी 4 को 15 से अगर मल्टीप्लाई करूँ सबसे नियरेस्ट वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो जाएगी। यानी मिक्स नंबर जब मैं बनाऊंगी तो क्या बनाऊंगी, 4 को मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगी, 4 15s आंसर आ जाएगा 60। मगर मुझे तो चाहिए 63, जो 3 का डिफरेंस आ रहा है वो मैं न्यूमरेटर में प्लेस कर दूंगी। इस तरह से मेरे पास आंसर आ जाएगा 15 whole 3/4। स्टार्ट करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में जो सम गिवन है वो है 2 whole 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 whole 1/4। मिक्स नंबर 7 है तो हम इन्हें सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s 4 और 4 में न्यूमरेटर वाला 1 ऐड किया तो मेरे पास न्यूमरेटर में वैल्यू आ गई 5 और डिनोमिनेटर में 2। मल्टीप्लाई का साइन प्लेस किया, यहाँ पे 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 4 6s 24 और 24 में न्यूमरेटर वाला 1 ऐड कर दिया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 25 और नीचे वाले का डिनोमिनेटर आ गया 4। अब देखिए ऑब्जर्व करें कि क्या कोई कैंसिलेशन पॉसिबल है यहाँ पे। आप देखिए 4 और 5 कैंसिल नहीं होते, 2 और 25 भी आपस में कैंसिल नहीं होते, 25 4 भी आपस में कैंसिल नहीं होते, इसी तरह 5 और 2 भी, यानी यहाँ पे कोई भी कैंसिलेशन नहीं हो रही। तो हम न्यूमरेटर में न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। किस तरह से? 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे रफ कॉलम में, 25 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 5s 25 5 2s 10 11 and 12 आंसर आया 125। न्यूमरेटर में आ गया मेरे पास 125 और मुझे पता है 4 2s होता है 8। यहाँ पे मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई 125/8। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो यकीनन हमें इसे मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। 8 का टेबल हमें इतना पढ़ेंगे कि या तो 125 आ जाए या उससे कम वैल्यू। तो हमें पता है 8 10s 80 होता है, तो हमें 8 को अगर हम 10 के बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्योंकि 10 times 80 होता है, बहुत छोटी अमाउंट है, तो हम लोग 8 को 15 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं रफ कॉलम। 8 5s होता है 40, 8 1s 8 9 10 11 and 12। देखिए स्टूडेंट्स 8 को 15 से जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें बहुत नियरेस्ट वाला नंबर मिल रहा है। 8 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन हमारे पास वैल्यू बढ़ जाएगी, 125 से ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब है सबसे नियरेस्ट नंबर जो हमें फाइंड आउट हुआ वो 8 को 15 से मल्टीप्लाई करते हुआ। हम इसके मिक्स फ्रैक्शन बना लेते हैं। किस तरह? 8 को मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगी, 15 को मिड में लिखिएगा इस अपॉन की लाइन के मिड में, 8 को 15 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 120। मगर मुझे तो चाहिए 125, जो 5 का डिफरेंस है वो मैंने यहाँ न्यूमरेटर में लिख दिया और इस तरह मेरे पास आंसर आया 15 whole 5/8। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाले क्वेश्चन बहुत ईजी लगे होंगे और आसानी से समझ में आ गए।